बाल लीला का हमको भगवान की बाल लीला का स्मरण कराएंगे, तो इन्होंने एक रूप से हमको भगवान का स्मरण करवाया। और दूसरी ओर मैं बताया था पहले भी जगन्नाथ जी का एक रूप हम देख रहे हैं, ये रूप ऐसा क्यों हो गया? अपनी ही लीला सुनकर श्री कृष्ण का ऐसा भाव रूपी ये जो रूप प्रकट हुआ है, अपनी ही लीला सुनकर, वो कृष्ण लीला कितनी शक्तिशाली है जो भगवान को भी विवल कर दे, भगवान को भी ऐसा कर दे। वही लीला का प्रदर्शन कुछ बालक लोग अभी करके दिखाएंगे, आरंभ कर दो। Okay, well,
का विस्तार भी हो रहा है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और उनके विभिन्न अवतारों की लीलाएं मन और कानों को सुनने में प्रिय लगती हैं। केवल उनके श्रवण मात्र से मन की मलिनता दूर होती है। सामान्य तौर पर हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं पर उतने आकर्षित नहीं होते जितना संसार की बात सुनने से आकर्षित होती है। लेकिन श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जहाँ वे नंद बाबा के आंगन में बछड़ों की पूंछ के साथ खेलते अपनी तोतली वाणी से नंद बाबा यशोदा और अन्य ब्रजवासियों के चित्त को भर लेते हैं। अपने पैरों के नुपुर की ध्वनि से सारा नंद भवन आनंदित हो जाता है। नंद बाबा ब्रज में कृष्ण के माखन चोर नाम से परेशान हैं और ब्रजवासी उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे हैं तथा नंद बाबा उन्हें कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहे हैं। अरे नंद महाराज, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। आपको किस बात की चिंता सताई जा रही है? क्या बताऊं, मुझे कृष्ण की चिंता सताई जा रही है। असुरों ने पूरे ब्रज में उत्पात मचा रखा है, उसका क्या करें? नंद महाराज, आपको याद नहीं गंगाचार्य जी ने बतलाया था कि कृष्ण में तो भगवान नारायण के समान सभी गुण है। अरे भैया, जब से लाला ने जन्म लिया है तब से ब्रज के प्रत्येक कोना में आनंद ही आनंद है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जो उसने ब्रज में माखन चोर नाम रखो जरूर है, उसका क्या करें? घर में इतना सारा माखन रखो है, ना जाने कौन सी मेरे लाला के ऊपर अला बला आ पड़ी है। अरे बहू, ओ बहू, अरे क्या हुआ, क्या चाहिए? जरा भीतर से किवाड़ बंद कर दे। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहे कान खजूरी? रुक, जरा छत पे चढ़ के देख, किवाड़ खुली तो ना रह गई। अरे मैया, क्या हुआ, छत की खिड़कियां व किवाड़ बंद करके कौन सा सोना चांदी छिपाना चाहती हो? इस घर में दो चार टूटे फूटे बर्तन ही तो है, तुझसे ही छुपा के रखती हूँ। अरे छोड़ो, ये बताओ छत पे जाने के लिए किस लिए कह रही थी? अरे नंद के पुत्र को जानती हो? आप सब नंद के पुत्र को जानते हैं? माता जी आप जानती हैं? आप जानते हैं बाबा जी? प्रभु जी आप तो जानते ही होंगे, आपन मचा के रखता है। हाँ जानते हैं, तो अब क्या किया उसने? अरे उसने सारे ब्रज में उत्पात मचा रखा है। किसी की मटकी फोड़ दे, किसी का बछड़ा खोल दे, कहीं दही घीच मचा दे, और महाराज जी अगर कुछ ना मिले तो ब्रज की ना ही छेड़ दे, इतना निर्लज है वो। अरे भैया, तुम तो ना राही का पहाड़ बना के रखती हो। तुम तो चिंता मत करो, मैंने वाका पूरा इंतजाम कर रखा है। पता है सखाओं की टोली के साथ कहीं भी पहुंच जाता है और समझता है ब्रज की नौर तो भूल ली है, कुछ ना कहेगी। अगर वो शेर है ना तो मैं भी सवा शेर हूँ, घर में घुस के तो देख उस कारे को गोरा ना बना दिया तो कही हो। ससुरी जमीन में पावत पुलक मत, ब्रज में किसी के हाथ आने ना है वो, अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो ऐसा बोरो बने में जैसे कुछ किया ही ना हो। जरा ध्यान रखियो, मैं सुस्ता के आती हूँ। हाँ हाँ मैया, तू सुस्ता के आ, मैं बाकी खबर लेती हूँ। इधर तो प्रभावती घर में सुंदर सुंदर माखन तैयार कर रही है, उधर कृष्ण माखन चोर कृष्ण माखन चोरी की तरकीब बना रहे हैं।
पशु तो कवाई गए, बहुत धूप लगी है। अरे जंगल में क्या खवाऊं तुम्हें? अरे कृष्ण कछु तो खवाई गए, कछु रबड़ी छोले पूरी कछु तो खवाई गए। अरे थम जाओ थम ना मचाओ, हम गाने ना मचाएं, मेरी उधर मचा हुआ है। अरे कृष्ण तूने बड़े बड़े असुरों को मारा, वापस क्या नाम था तो तोरे ठुके ही बन गया बन गया थी। अरे हाँ कृष्ण, और वो क्या था जो तुझे हवा में उड़ा ले गयो और पूरे वृक्ष में मट्टी मट्टी करते हो? अरे कृष्ण मुझे तो ना बाबा दिखे ना मैया, ना बहन दिखे ना भैया, अरे और तो और ब्रजवासियों ना मुझे धान दिखे ना ही रुपया। अरे कृष्ण तूने तो बड़े बड़े असुरन को मारा है पर इस